एक थीम है जहाँ पर ट्रांसपेरेंट साड़ी है बगैर पेटीकोट और चोली के। इन माई मूवी आई थिंक आई विल बी हैविंग द बेस्ट सेक्स सीन। हाउ ट्रांसपेरेंट, इसका जवाब कैसे दूँ मैं? उसमें बड़े बड़े छेद थे। आई थिंक पॉर्न मूवीज शुड बी लीगलाइज इन इंडिया। बॉलीवुड में शुरू हो गई है एक नई रेस। भारतीय लोग मेरे इस नंगेपन को लेकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इंडस्ट्री के लोग मेरे इस स्टंट को लेकर क्या सोचेंगे, काम देंगे नहीं देंगे, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जिस्म है। लेकिन ये रेस ज्यादा एक्सपोज करने की नहीं बल्कि पूरा एक्सपोज करने की है। ये रेस है पूरे कपड़े उतारने की। रिसेंटली प्लेबॉय के कवर पेज के लिए न्यून शूट करके शर्लिन ने दावा किया है कि वो इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। ये कोई लोकल मैगजीन नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैसी मैगजीन है, ये प्लेबॉय है जिसका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक्सेलेंट काम करना अच्छा लगता है और ये एक्सेलेंस की तरफ मेरा पहला कदम है। In my movie, I think I'll be having the best sex scene. Interestingly, nudity की इस रेस में पीछे छूट गई है adult film star Sunny Leone, और इस international adult film star को टक्कर देने के लिए शर्लिन ने शुरू कर दिया है एक बड़ा डिबेट। आपने ये कहा कि Playboy एक porn magazine है, तो इसका मतलब जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं बैनर पर, ये सारे porn stars हैं। When there is a difference between a porn star and a Playboy girl, rolling camera के सामने nude pose करना और rolling camera के सामने सेक्स करना, ये दो अलग बातें होती हैं। जी हाँ, शायद ना तो सनी लियोनी ने और ना ही सनी को बॉलीवुड में लाने वाले भट्ट कैंप ने कभी सोचा होगा कि एक दिन खुद बॉलीवुड में न्यूड होकर कैमरा फेस करने के लिए एक बड़ा कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और अब तक कैमरास के सामने एक्सपोज करने से डरने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस खुद चैलेंज करने सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसा ही रेवोल्यूशन करने की तैयारी में लग रही हैं शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे, जो लगता है इंडिया में सिल्वर स्क्रीन्स और मैगजीन्स में न्यूडिटी को लीगल करने की तरफदारी कर रही हैं। ये सवाल मैं सरकार के सामने रखती हूँ। भारत में प्लेबॉय जैसे आइकॉनिक मैगजीन को क्यों बैन किया गया है? आई थिंक पॉर्न मूवीज शुड बी लीगलाइज इन इंडिया। न्यूडिटी का सपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन जब बात आती है इस रेस में पायनियर बनने की, तो इन्हीं एक्ट्रेसेस के बीच शुरू हो जाता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए टफ कंपटीशन। मैं गई और पहली इंडियन बनने का अवसर मिला, वो पहली इंडियन जो प्लेबॉय के कवर पर बहुत जल्द आने वाली है। अब जिनको ये काम करना है वो करें। माई बेस्ट विशेस आवर देम। Honey, on this part, I would tell you, of course, it's a big thing what she's doing, but then for your information, she's not the first Indian girl to be on the cover, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए स्ट्रिप्टीज एक्ट का ऐलान करने से लाइमलाइट में आई पूनम पांडे शर्लिन चोपड़ा के रीसेंट प्लेबॉय शूट का जमकर मजाक बना रही हैं। अव्वल तो पूनम का कहना है कि शर्लिन से पहले भी इंडियन गर्ल्स प्लेबॉय के लिए शूट कर चुकी हैं। उस पर जैसे ही बात आती है भारत रत्न की, वही प्रेस्टिजियस ऑनर जिस पर प्लेबॉय की न्यूड कावर गर्ल बनकर शर्लिन चोपड़ा ने क्लेम किया है, तो भारत रत्न की बात आती ही पूनम अपनी हंसी नहीं रोक पाती। जरूर मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों नहीं, why not? अब शर्लिन मांग रही है कि पूनम को मिलना चाहिए क्या भारत? अरे यार, वो तो मेरे ट्वीट हार्ट्स डिसाइड करेंगे। मैं अपना एंटरटेनमेंट करने का काम करती हूँ, which I do, and I just serve, that serve word, you know, I always use, that I serve people. जो उनको खुशी मिलती है, मुझे मतलब I don't say कि मुझे भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात है खुद शर्लिन के डबल स्टैंडर्ड्स की, तो वो भी खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो वो खुलकर अपने बॉडी पार्ट्स के एनहांसमेंट की बात एक्सेप्ट कर रही हैं, पर दूसरी तरफ क्या प्लेबॉय के कवर गर्ल पर नेचुरल ब्यूटीज आनी चाहिए, इस सवाल पर भड़क रही हैं। अब क्या सबके सामने मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या करवाया? I'm glad that I have met
people from the field of modern science who have enhanced my tangible assets. आपने ऐसे कैसे assume कर लिया कि ये natural beauties नहीं है? यानी इतना तो तय है कि प्लेबॉय की कावागर्ल बनकर शर्लिन ने बॉलीवुड में न्यूडिटी को लेकर एक नया डिबेट और एक नई रेस शुरू कर दी है। फिर भले ही फिलहाल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस इस रेस से दूरी बनाकर रखें, लेकिन अब शायद ये रेस थमने वाली नहीं है और इस रेस के सारे अपडेट्स आपको देता रहेगा जूम। और रुद्रानी चटुराज एंड आरती दानी, जूम मुंबई। Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/bollywoodvideos.